लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिलेटिव मोशन का बेसिक कंसेप्ट बताया था, कोई एक बार मुझे सिनॉप्सिस याद दिलाएगा रिलेटिव मोशन में हमें क्या करना होता है? रिलेटिव मोशन का सिनॉप्सिस बताइए, कोई भी किसी को भी याद है अगर। लाइक यू नीड टू टेक योर लाइक फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द रेफरेंस पॉइंट, यू नीड टू प्लेस इट इन वन प्लेस, वेयर यू प्लेस इट देयर यू टू ड्रॉ अ प्लस एंड दैट विल बी कंसीडर्ड स्टेशनरी. Good. So first thing is that becomes stationary for us. And then what are the changes that you need to do? Sir, we use the revert and AND principle. Good. Yeah. And in that, what do we do? That means... Okay. We revert the direction of the vector related to that object. So you're not saying it completely. You're not saying it completely. Completely or clearly. You're not saying it completely. When you're saying revert and add, what are you reverting and add? To what are you adding? Sir, may I ask? हाँ बोलो सप्तर्षि बेटा बोलो. हाँ sir, we actually revert the velocity and the acceleration of the frame and added vectorality to the velocity and acceleration of the required vector of the object with that we are observing. Yes, and one side is taken as positive. हाँ हाँ. So does velocity always get subtracted or it might even be get added up? It depends on which direction. Upon the direction. But it depends upon the direction. It can get added or subtracted. Very good. Very good. ठीक है चलो ठीक है ये तो आपको याद है. तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब ग्रेविटी में अगर दो ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उनका मोशन हमें कैसे एनालाइज करना है आज वो सीखेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी. देखो सबसे पहली चीज ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स को किधर भी फेंको, चाहे भी किसी भी तरफ फेंको, ऊपर फेंको, नीचे फेंको, साइडवेज फेंको, हॉरिजॉन्टल फेंको, कुछ भी फेंको, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन किससे आते हैं, फोर्सेस से आते हैं. एंड वंस इट हैज बीन प्रोजेक्टेड और थ्रोन और ड्रॉप्ड, वंस इट इज आउट ऑफ आवर हैंड, व्हाट आर द ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? ग्रेविटी. ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स, सिंस वी नेग्लेक्ट द एयर ड्रैग, सो ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट. एंड ग्रेविटी का डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, क्या वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी हमने किधर दिया है क्या इस पे डिपेंड करेगा? नो नहीं सर. ऑलवेज अगर मैं इंक्लाइन करके फेंकू, मैं नीचे फेंकू, मैं ऊपर फेंकू, मैं हॉरिजॉन्टल फेंकू, अब वेट तो जो हम लोग mg जो बोलते हैं, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा. एंड mg को जब आप m से डिवाइड करोगे तो g नीचे ही आएगा ना हमेशा, राइट? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ g. एंड दिस इज एन एडवांटेज फॉर अस. क्यों? क्योंकि हम फेंक तो किधर भी सकते हैं, एक को इधर फेंक किया, एक को उधर फेंक दिया, तो सबको डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन हम किधर भी दे सकते हैं, बट एक्सेलरेशन हमारे हाथ में नहीं है. एक्सेलरेशन इज इन द हैंड्स ऑफ ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी तो सबके लिए एक जैसा ही है ना. सो ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म फॉर एवरीबॉडी, राइट? यस सर. समझ आ रही है? तो सबके लिए जी सिंस नीचे की तरफ है तो सबका एक्सेलरेशन भी कॉमन होगा. अब इससे एडवांटेज क्या होगा सोचो? एडवांटेज ये होगा कि अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तब तो हमें दोनों का एक्सेलरेशन जी दिख रहा है. बट वॉट इफ वी सिचुएट आवर फ्रेम इन टू वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी एक में अगर हम बैठ के अगर दूसरे को देखना शुरू करें, अब हमें कैसा दिखेगा अभी बताओ? रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ दिखेगा? रिवर्ट एंड ऐड करोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? दोनों का जी नीचे की तरफ था ना, तो एक में अगर बैठ के दूसरे को अगर देखोगे तो रिवर्ट एंड ऐड करने पर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो जाएगी? जीरो. Yes. हाँ, सर, जीरो हो जाएगा. समझ आ रही है आपको? हाँ, सर. हाँ, सर. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होने से एडवांटेज क्या हुआ? अब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? हाँ सर. राइट? यस. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है एक्सेलरेटेड मोशन है, बट एक ऑब्जेक्ट पे बैठ के अगर दूसरे को देखोगे तो मोशन कैसा दिखना है आपको? यूनिफॉर्म दिखना है. ये समझ आ रही है? Yes. इसका मतलब वेलोसिटी एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही होगी. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फिर डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करके निकाल सकते हैं ना? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस सर. राइट? तो अगर मैं पोजीशन, अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ अगर एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलो तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा ना. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, राइट? है ना? हाँ सर. यस सर. और प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाते हैं तो पैराबोला बनाते हैं. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जी आता है तो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसके कंडीशन पे आता है, राइट? है ना? गेटिंग इट? यस सर. ठीक है. So this is the most important part, कि जब भी हम यहाँ पे देखेंगे, so irrespective of direction of projection,
once the object is in air, the only force acting on it is force of gravity vertically downwards. Mg. And hence, each of the projected object will have same acceleration of g vertically downwards. Therefore, if we fix our reference frame into one of these projected objects, then the relative acceleration of the other object, becomes zero. And hence, the relative velocity will be constant. Relative position time graph will be a straight line till one of them lands on ground, after which the graph will be parabolic. ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई सभी को? समझ आ गई सभी को इतनी बातें? Yes sir. ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जांपल करते हैं तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे मान लो एक सिचुएशन ऐसा दे रखा है, टू ऑब्जेक्ट्स A and B are projected simultaneously as shown. यहाँ पे A है, इसको हमने नीचे project किया है u1 velocity से, and इसके ठीक नीचे में यहाँ पे मान लो ये B है और इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है u2 वेलोसिटी से, एंड मान लेते हैं ये ग्राउंड है. ठीक है, एंड हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे मीट, ये पहला है, एंड दूसरा पोजीशन वेयर दे मीट. ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. तो ये क्वेश्चन आपने हमें, ये मतलब 9th-10th में वैसे भी ये क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपने रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिलेटिव फ्रेम में कभी नहीं किया होगा, इसको ग्राउंड फ्रेम से ही हमेशा किया होगा आपने. इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन को करने के लिए किसी एक के फ्रेम में ले जाता हूँ, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ जी होगी और इसकी एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही जी होगी. तो अब आप क्या कर सकते हो, किसी एक में अपने फ्रेम को फिक्स कर सकते हो, किसी भी एक में अपने अपने फ्रेम को फिक्स कर लिया, किसी भी एक में आप अपने फ्रेम को फिक्स करो. तो हमने क्या किया यहाँ पे, किसी भी एक में फिक्स कर लेते हैं. लेट्स से कि हमारा फ्रेम ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ही ले लिया हमने. ठीक है, तो ऊपर वाले पे अपना फ्रेम लिया हमने, तो क्रिस क्रॉस बना के इंसान खड़ा कर दिया, सो दैट बिकम स्टेशनरी फॉर अस नाउ, राइट? पहला रूल क्या है, स्टेशनरी हो जाएगा वो, राइट? बट अब यही एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो इस फ्रेम का है वो अब मुझे सब में रिवर्ट करके ऐड करना पड़ेगा. तो देखो अभी मैंने रिवर्ट एंड ऐड अप्लाई किया है,
तो इसने यू वन रिवर्ट कर दिया, सही है ना? नीचे का यू वन रिवर्ट हुआ तो ऊपर की तरफ यू वन हो गया, राइट? ठीक है, ठीक है, यस सर। एंड एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके ऐड किया, देखो ये जी ऊपर हो गया और ये जी ऊपर और ये जी नीचे कैंसल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी आ गई, जीरो आ गई, राइट? सो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी अ कांस्टेंट एंड दैट विल बी मैचिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हिच इज क्लियरली यू वन प्लस यू टू। दिख रही है आपको? दिख रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो इनिशियल सेपरेशन, अच्छा इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन ये एच दिया हुआ है हमें, ठीक है, दिस एच इज गिवन टू अस। तो अब सोचो ए फिक्स्ड है और बी ए की तरफ आ रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ यू वन प्लस यू टू, तो उसको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, एच, दिख रहा है आपको, है ना? क्योंकि ए तो स्टेशनरी है और बी को ही तो आना है ना उसके पास, यस सर, राइट? मीट करने का मतलब क्या है, ए फिक्स्ड है और बी उसकी तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, यू वन प्लस यू टू से, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है एच होना है और वेलोसिटी यू वन प्लस यू टू है, तो टाइम ऑफ मीटिंग कितना हो जाएगा, एच बाई यू वन प्लस यू टू। समझ आई आपको? यस सर। तो देखो एक लाइन में मिल गया, सो देयरफॉर एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी एच, सो देयरफॉर द टाइम ऑफ मीटिंग डेल्टा टी विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड दैट बिकम्स एच डिवाइडेड बाय यू वन प्लस यू टू। आई होप इट्स क्लियर विथ एवरीबॉडी। यस सर, यस सर। ठीक है, अब पूछा उसने कि पोजीशन कहां पे वो लोग मीट कर रहे हैं ये फाइंड आउट करो, तो ये पोजीशन निकालने के लिए अब आप ग्राउंड पे देख सकते हो क्योंकि टाइम के टाइम तो आप निकाल ही चुके हो कितने टाइम के बाद ये लोग मीट कर रहे हैं, अब वो लोग कहां मीट करेंगे ये निकालने के लिए आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर सकते थे, या फिर एक और काम ये भी कर सकते थे कि ये जो रिवर्ट एंड ऐड आपने ऑब्जेक्ट बी के लिए लगाया है यही रिवर्ट एंड ऐड हम ग्राउंड के लिए भी तो लगा सकते थे, है ना? जैसे हम याद है जो मैं आपको एक बार एक एग्जांपल बोल रहा था कि छत से अगर आप गिरते हो तो आपको क्या दिखेगा कि अर्थ आपकी तरफ आ रहा है, दिखेगा ना आपको? याद है आपको? ठीक है, तो सेम चीज तो यहाँ पे होगा ना, देखो ये ऑब्जेक्ट ए जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसको क्या अपीयर होगा कि अर्थ उसकी तरफ आ रहा है ना, होगा ही नहीं होगा अपीयर? तो वही काम आपको करना था यहाँ पे अर्थ के लिए भी करना था, तो अर्थ के लिए अगर हम बात करते हैं तो अर्थ में भी तो वो एक्सेलरेशन को हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके ऐड करना पड़ता, तो इस केस में ये रिवर्ट करके ऐड किया ये यू वन और एक्सेलरेशन को भी रिवर्ट करके ऐड किया तो ये भी हो जाएगा ऊपर की तरफ जी। समझ आइए, ये जो मैंने दिखा रखा ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ with respect to A. Did you understand? Yes, sir. अब इस velocity से अगर Earth तुम्हारी तरफ आ रहा है और with acceleration G आ रहा है, तो उस case में वो time delta T के बाद कितना displacement हो जाएगा उसका ये तो निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं? Right? अरे बाबा velocity and acceleration of Earth आपको पता है, तो फिर अब आप क्या displacement नहीं निकाल सकते उसका time T के बाद? तो फिर आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा ना कि कहां पे अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कहां पे मीट कर रहा होगा। समझ आ रही है? हाँ सर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, सो देयरफॉर विथ रिस्पेक्ट टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ displacement of earth isko aise likh lete hain displacement of earth with respect to a that will be u1 into delta t and plus half of g into delta t ka square, delta t aap nikal chuke the isko substitute karoge displacement mil jayega, so therefore height at which they meet with respect to earth is h minus of displacement of earth with respect to a, yahi answer hai, got it? clear? yes sir theek hai, yes sir.
Let us see if you're understanding or not. This is a bridge. This is a river. And this height is 122.5 meters. And imagine what they've given us, an object A is dropped from the bridge at t equal to 0. 2 seconds later, another object B is projected vertically downwards, such that both of them strike the river simultaneously. Find projection speed of B. B ki projection speed nikal. Batao kya hoga answer. देखो नॉर्मली ये क्वेश्चन कैसे करते हैं पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब जो नॉर्मली करते हैं लोग, नॉर्मली लोग ये वाले क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से ही करते हैं, फिर मैं आपको रिलेटिव फ्रेम से भी दिखाऊंगा। पहले उसने क्या कर रखा है, उसने कह रखा है कि ए को उसने रिलीज किया है, ठीक है। ए को रिलीज करने का मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है ना, राइट। और उसके बाद फिर इसको यहां से यहां तक ये 122.5 मीटर ड्रॉप करना है, तो ये टाइम कितना होगा ये बता सकते हैं क्या हम, कैपिटल टी अगर निकाले तो कैपिटल टी तो हम एक बार में लिख सकते हैं, कैपिटल टी हैज टू बी रूट अंडर 2h / g, राइट याद है आपको? यस सर। यहाँ पे आप g की वैल्यू में 10 लेनी चाहिए या 9.8 लेनी चाहिए? सर 10 लेने से इजी होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9.8 लेने से इजी होगा। क्यों? क्योंकि डेटा हमेशा, मैंने आपको पहले भी बोला था ये बात कि आप हमेशा वैल्यूज को चेक करना, g का वैल्यू कितना देते हैं, मतलब जो डेटा देते हैं वो कितना देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 122.5 का अगर आप डबल करते हो कितना आएगा, 245, राइट। हाँ सर, 245 का डबल करोगे कितना आएगा, 490। अच्छा अच्छा, 490 का डबल किया तो कितना आया, 980। दिख रही है आपको, कैन यू सी दैट कमिंग इन मल्टीपल्स? इसका मतलब ये बेसिकली यू नो एक 980 का ही तो मल्टीपल हो गया ना, राइट। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो डेटा अच्छे से मिल जाएंगे आपको, तो जस्ट बिकम्स 122.5 एंड डिवाइडेड बाई 9.8 ले लिया। इसकी वैल्यू को अगर लिखोगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा ये 245 एंड डिवाइडेड बाई 9.8, इसमें से एक डेसिमल हटा देते हैं। अब देखोगे अगर आप तो ये 49 into 2 एंड ये 49 into 5, सो ये एग्जैक्टली 5 सेकंड आ रहा है, दिख रहा है, एग्जैक्टली 5 सेकंड। कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट, ठीक है, एग्जैक्टली 5 सेकंड्स आई है, दिस इज एग्जैक्टली 5 सेकंड्स, ठीक है। अब चलो ठीक है, 5 सेकंड तो हो गया, बट उसने उसने सेकंड ऑब्जेक्ट को 2 सेकंड के बाद फेंका था, तो 2 सेकंड के बाद फेंका था तो उसके पास जमीन में स्ट्राइक करने का, मतलब रिवर्स स्ट्राइक करने का टाइम कितना हुआ, 3 सेकंड।
3 second. Right? क्योंकि t equal to 2 seconds पे तो हमने उसको फेंका था. Let us say this velocity is v naught. तो उसके बाद फिर इसको land करना है t equal to 5 पे, क्योंकि दोनों simultaneous event है. तो t equal to 5 पे इसको भी land करना है. तो फिर इसके पास time interval कितना हुआ? 3 second का ही तो interval हुआ ना? Getting it? हाँ sir. हाँ sir. ठीक है. तो अब equation of motion for b लिख लो. So for b अगर हम लिखते हैं, for b. तो for b हम लिख रहे हैं. So displacement of b is h, which is 122.5. And that will be equal to v naught into t, which is 3 seconds, and plus half into g, which is 9.8, and into t ka square, which is 3 ka square ho jayega. Getting it? Samajh aa rahi hai? Yes, sir. Haan, sir. So, ye 4.9 ho gaya, and yahan se 3 v naught ki value, hum likh sakte hain yahan se, this is 122.5, and yahan se minus of 9 into 4.9, so 9 9s are 81, 8, 9 4s are 36, 4, 4, 44, 44.1 आ गया. तो ये हो गई आपके पास 122.5 में 44.1 जाएगा, तो 4 decimal, and then 2 में 4 गया 8, फिर 11 में 4 गया 7, यार ये ना, check करो एक बार, calculation बस check कर लेना, तो V0 की value हो गई है, yes, 78.4 divided by 3, and that becomes 26.1 meter per second. Got it? ठीक है ना? Yes sir. अच्छा एक चीज चेक करो, क्या मैंने इसमें कोई भी relative motion का कोई भी concept use किया क्या? Did we use any concept of relative motion over here? Only. No sir. Nothing. No sir. We did not use any concept of relative motion over here. Now let us try doing this, you know, in a relative motion वाला method. पहला चीज ये चेक करो कि t equal to 2 seconds पे, t equal to 2 seconds पे a कहाँ पहुँच गया होगा? Where would A be at T equal to 2 seconds? इसको T equal to 2 seconds हम दिखा रहे हैं. तो T 2 seconds में इसकी velocity कितनी हो जाएगी? G into T. तो 20 meter per second होगा. Sorry, 20 नहीं, अब 19.6 लिखना चाहिए हमें. This will be 2G velocity होगी. And that will be 19.6 meter per second. ठीक है? अब इसकी displacement कितनी हो गई होगी 2 second में? ये जो displacement होगी, that will be half into G into 2 का square. So this is again 19.6 meters. ठीक है ना? Correct है? Correct है? हाँ sir. अब आप क्या करो? अपने frame को B A में situate कर दो. Fix your frame on A. अब A becomes stationary for you, right? Right? Yes sir. And yes, A sir. की velocity को आप revert करके add करो. A की वेलोसिटी को हमने रिवर्ट करके ऐड किया है, तो ये 19.6 मीटर पर सेकंड रिवर्ट होके ऐड हो गया है. तो अब A के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी कितनी दिख रही है? V नॉट नीचे एंड 19.6 ऊपर, तो कितनी वेलोसिटी दिख रही है? V नॉट माइनस 19.6 नीचे, राइट? राइट? यस सर. एंड विथ रेस्पेक्ट टू A, B को A के पोजीशन पे ही पहुंचना है ना, क्योंकि दोनों याद है रिवर एक साथ पहुंच रहे थे. तो इसका मतलब है कि वो एक ए को तो हमने स्टेशनरी ऑलरेडी बना दिया. वंस वी फिक्स आवर रेफरेंस फ्रेम ऑन टू ए, ए बिकम स्टेशनरी फॉर अस. तो ए वहीं पे रह गया है. अब बी को तो ए के पास पहुंचना है ना, राइट? यस सर. और बी को ए के पास पहुंचना इस बार कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है. देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन नाउ. सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज अ कांस्टेंट, व्हिच इज वी नॉट माइनस 19.6, एंड इस वेलोसिटी से उसको 3 सेकंड तक मूव करना है. एंड डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है उसको? 19.6, राइट? गॉट इट? यस सर. ठीक है सर, कैन यू वंस मोर रिपीट? ए इज स्टेशनरी फॉर अस, बी अपीयर्स टू बी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट माइनस 19.6 मीटर पर सेकंड टू अस, एंड सिंस ए स्टेशनरी, बी हैज टू कवर द डिस्टेंस अप टिल ए, राइट? यस सर. व्हिच इज 19.6. Yes, sir. And this distance has to be covered in 3 seconds. Yes, sir. ठीक है? So ये alternate solution हुआ. So ये relative वाले concept से कर रहे हैं. So और करके लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे. Displacement of B with respect to A will be velocity of B with respect to A into the time delta t. Reason being, since relative acceleration is zero. ठीक है? And therefore displacement is 19.6. Velocity of B with respect to A is V naught minus 19.6. And time interval is 3 seconds. So, yahan se V0 becomes
19.6 और ये 1/3 प्लस 1 मतलब 4/3 हो जाएगा. सो ये हो जाएगी आपके पास 3 3 6 18 1 6 3 5 15 1 3 ये आ जाएगा. सो ये हो गया 4 3 12 1 4 5 21 फिर 2 4 6 24 2 26 मीटर पर सेकंड. देखो मैच किया या नहीं, मैच किया 26.1 26.12 मैच किया. Did you see match kiya? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो इसीलिए इस बार देखो हमने वो you know displacement में gravity का कोई role ही नहीं लिया है. देखो gravity का कोई role नहीं है यहाँ पे. Relative displacement करते वक्त हमें simply relative velocity into time किया and then यहाँ से answer मिल गया. ठीक है, कोई confusion है किसी को? मेन चीज इसमें ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप किसी भी जगह पे अपने फ्रेम को फिक्स करते हो वो चीज स्टेशनरी रहती है. तो ए पे अपने अपने आपको जब आपने फिक्स किया अपने फ्रेम को 2 सेकंड पे ही, तो उसके बाद ए स्टेशनरी हो गया है. तो बी को ए के रिस्पेक्ट में 19.6 कवर करना है, 122.5 कवर नहीं करना है. समझ आ रही है? 122.5 उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कवर करना है बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है ना? ठीक है. यस सर. यस सर. आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, जब भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली मोशन में दिखते हैं आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा रिलेटिव वाले कांसेप्ट से किया करो. सिर्फ आंसर लाने से खुश मत हो जाया करो, रिलेटिव मोशन से करो तो ये बेटर तरीके से सीखोगे. हो सकती है गलती होंगी आपसे, हो सकता है आप जब अटेम्प्ट करोगे तो कुछ गलत भी करोगे, बट गलत कर रहे हो तो कम से कम दिखाओ मुझे, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि आपने क्या गलत किया है या नहीं किया है या सही भी किया है या नहीं किया है. तो फिर उसे कम से कम आप सीखोगे ये सब चीजें. देखो अभी आपको एक तो यहाँ पे एक लंबा तरीका दिखाया और ये आसान तरीका कितना आसान था, सिंपली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम बस करना था आपको. आपको बस वो चीज सोचने का थोड़ा सा बस विजन चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सोचें इस पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. अ हॉट ए बलून इज एट high is at a high point above ground and accelerating at 2 m/s² upwards at an instant t equal to 0, a stone A was dropped from it. At t equal to 0, a stone A was dropped from it. Five seconds later, another stone B was dropped from it. Find the separation between them. Separation between them. 5 seconds after dropping off B. चलो बताओ क्या आएगा आंसर. देखो आंसर क्या रही है. इन केस अगर आपकी हो जाती है तो आप ग्रुप में दिखाना. सो सिंस ड्रॉपिंग एक ही फ्रेम से हो रही है तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि अपने फ्रेम को उस हॉट एयर बलून के अंदर सिचुएट कर लें. अगर हॉट एयर बलून के अंदर हम अपने आप को सिचुएट करते हैं तो अब ये फिक्स फ्रेम हो गया, राइट? Awesome. और इस फिक्स फ्रेम से आप दो ऑब्जेक्ट को बेसिकली ड्रॉप कर रहे हो अलग अलग टाइम पे. तो आप आराम से दोनों का डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे निकाल लो जब आपको निकालना है एंड फिर दोनों का सेपरेशन आराम से मिल जाएगा. सर कैन यू रिपीट वंस?
आप हॉट एयर बलून में अपने फ्रेम को फिक्स करो सो दैट बिकम्स अ स्टेशनरी पॉइंट फॉर यू, लाइक जैसे आप एक टावर के टॉप पे खड़े हो और वहां से आप नीचे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, यही तो केस हो गया ना? हाँ सर हाँ. और उसके बाद फिर जैसे आप टावर से अगर किसी चीज को ड्रॉप करते हो, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, और इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस होगा वही तो सेपरेशन हो जाएगा ना. गेटिंग इट नॉट गेटिंग इट? यस सर हाँ. तो सेम चीज यहाँ पे करो, हॉट एयर बलून में बैठने के बाद वो रिवर्ट एंड ऐड वाला कांसेप्ट आप लगा लेना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. क्या 2 मीटर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर एक्सेलरेशन. हमें निकालना तो सेपरेशन है उन दोनों के बीच का. अच्छा 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 मैंने जो लिखा है अच्छा 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 हाँ ये गलत लिख दिया मैंने. एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो तुम मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो, तुम खुद से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो. Okay. देखो मैं कर रहा हूँ, आप चेक करो. मैंने क्या किया, अपने फ्रेम को यहाँ पे फिक्स कर लिया हॉट एयर बलून पे. सो हॉट एयर बलून पे बैठने पे रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो ही दिखेगा, ठीक है ना? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है क्योंकि उसी के फ्रेम से ड्रॉप कर रहे हो आप वहाँ पे. बट हाँ, ये एक्सेलरेशन को आपको रिवर्ट करके ऐड करना पड़ेगा. तो ये एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके ऐड करेंगे तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन दिखेगी वो जी प्लस ए दिखेगी. और उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट सेपरेशन 5 सेकेंड्स आफ्टर स्टोन बी वॉज ड्रॉप. तो स्टोन ए के पास टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड, राइट? 10 सेकेंड्स, यस सर. तो 10 सेकेंड्स में ए कहां पहुंच गया, आपको ये पहले निकालना है. सो लेट अस से स्टोन ए यहां पे पहुंच चुका है एंड दिस इज टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स. तो 10 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगी विथ रिस्पेक्ट टू बलून, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बलून that is equal to half of g plus a sorry into 10 ka square. Likh sakte hai na aisa, right? Getting it? Yes sir. Aur ab humne kya kiya hai, humne yahan pe b bhi ek object hai usko bhi drop kiya hai, theek hai? Ab b ka dikha rahe hain. B ko humne kab drop kiya tha? 5 second pe equal to 5 पे इसको ड्रॉप किया था. अगेन इसकी भी रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जीरो थी, बट इसका एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ जी था ही. बट सिंस आप फ्रेम अपना उस बलून में शिफ्टेड है तो बलून के रिस्पेक्ट में फिर से जी प्लस ए का एक्सेलरेशन दिखेगा. तो 5 सेकेंड में ये कहां जाएगा हमें वो फाइंड आउट करनी है. तो दिस इज बी का लोकेशन, दिस इज टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स अगेन. तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बलून, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बलून, एंड दिस विल बी हाफ ऑफ जी प्लस ए into 5 का स्क्वायर. समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? Yes sir. तो अब देखो displacement of a with respect to b, ये जो relative separation है, relative separation कौन सी हो गई? ये हो गई ना, देखो तो. This is displacement of a with respect to b, which is the relative separation, right? Required जो था, relative separation है, ठीक है? So S of A with respect to becomes B with becomes half of G plus A into 10 ka square minus of 5 ka square. So this becomes half of G plus A is 15 and 10 ka square is 100, 5 ka square is 25. So 75 ho jayega ye. So ye aa rahi hai aapke paas 2 into
अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं 7.5 सो 75 इनटू 7.5 आ रही है 75 प्लस 7.5 के साथ प्रोडक्ट करना है आपको सो ये देखो 5 5 25 2 5 7 35 37 5 7 35 3 5 7 7 49 52 5 12 6 5 562.5 सर ए तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था अच्छा 2 ओहो फिर मैंने गलत लिख दिया ओहो 15 क्यों लिखा मेरे दिमाग में 5 5 ही घूम रहा है सर वैसे करके 450 मीटर आ रहा है ठीक है बेटा अभी तो ठीक हो जाएगा सो ये 2 6 से चला जाएगा यस सर 7 6 का 42 450 आ रहा है ठीक है 450 मीटर आ रहा है ठीक है समझ आ गई सबको कंसेप्चुअली क्या किया हमने समझ आ गई सभी को यस 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 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं टू स्टोन्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड simultaneously from earth vertically up with speed of 40 meter per second and 30 meter per second respectively plot the variation of displacement of A with respect to B as a function of time. Function of time. Time के function में ये plot करना है मैं कर रहा हूँ आप चेक करो दूसरा एक ही एक एग्जैक्टली इसी तरीका का मैं एक और दूंगा वो आप खुद से करना ठीक है बस थोड़ा सा डेटा बस चेंज करूंगा आप ध्यान से देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ उसको पहला सिचुएशन को आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर लो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सिचुएशन कैसा दिखेगा एक को फेंका हमने 40 मीटर पर सेकंड से दिस इज ए व्हिच हैज बीन प्रोजेक्टेड विद 40 मीटर पर सेकंड ये ऊपर जाएगा एंड देन फिर नीचे आएगा अगर टी इक्वल टू जीरो पे इसको फेंका तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने का इसका टाइम होगा 4 सेकंड्स एंड नीचे पहुंचने का टाइम 8 सेकंड्स राइट यही होगा ना राइट करेक्ट है यस सर अभी बी के लिए मार्क करें बी के लिए मार्क करें टी इक्वल टू जीरो पे बी को फेंका हमने 30 मीटर पर सेकंड से तो ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड नीचे आने का टाइम 3 सेकंड 6 दिस इज टी इक्वल टू 3 सही है ना राइट तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो कब तक होगा 6 सेकंड तक क्योंकि 6 सेकंड के बाद तो बी जमीन पे लैंड कर गया ना गेटिंग इट और नॉट यस सर सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी जीरो दिस इज फॉर टी लेस देन और इक्वल टू 6 सेकंड्स ठीक है बट जैसे ही अगर आप टी ग्रेटर देन 6 सेकंड्स बात करोगे एंड लेस देन 8 सेकंड्स T greater than 6 and less than 8 अगर बात करोगे तो क्या होगा अब तो acceleration G का दिखेगा ना नीचे की तरफ क्यों क्योंकि B तो जमीन पे आ चुका है और B जमीन पे आ चुका है मतलब तो जमीन तो rest पे ही है और A तो अभी भी air में है और उसके लिए acceleration तो G downwards दिखेगा ना समझ आ रही है आपको समझ आ रही है getting it Yes, sir. Yes, sir. So, 6 सेकंड तक हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या नहीं होगी 6 सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट देन यस तो अगर मैं यहां पे अपने फ्रेम को फिक्स करता हूं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी रिवर्ट एंड ऐड करो तो ये 30 मीटर पर सेकंड रिवर्ट हो गया तो बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कितना दिख रहा है सो वेलोसिटी ऑफ बी सॉरी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 40 minus 30, which is 10 meter per second, and this will be till t equal to
6 seconds, right? So therefore, displacement of A with respect to B, that will be 6 into 10, which is 60 meters, and that will be till t equal to 6 seconds, right? Correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. Achha, 6 seconds pe A, apne downward journey pe hai ya abhi bhi upward journey pe? Downward. Downward. Downward journey pe? Downward. So this is t equal to 6 seconds pe. Theek hai na? तो t equal to 6 seconds तक separation बढ़ा है और उसके बाद फिर जमीन पे वो b land कर चुका है और अब a दिख रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है ground के respect में, तो with respect to b भी तो अब नीचे की तरफ ही आ रहा होगा, है या नहीं है? Getting it? Yes sir. हाँ sir. ठीक है, और उसके बाद का जो graph होगा वो तो parabola हो जाएगा ना, right? क्योंकि अब तो acceleration g दिखेगा उसको. तो अब अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करनी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, प्लॉट कर रहे हैं देखो. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इधर टाइम ले रहे हैं. सो ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखेगा कब तक हमें? दिस विल बी टिल 6 सेकंड्स. जी 6 सेकंड. एंड 6 सेकंड्स पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन सबसे ज्यादा है एंड दैट इज 60 मीटर्स. एंड उसके बाद का ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक हो जाएगा एंड सेपरेशन घट के जीरो हो जाएगी 8 सेकंड्स पे. So this is linear and this is parabolic. Parabola. Got it? Got it? Yes, sir. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो इसका स्लोप, अगर नोटिस करोगे आप देखो इसका स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है मैग्नीट्यूड में स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है ना, स्टीपर होता जा रहा है. Yes, sir. और अगर स्लोप बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? With respect to B, A का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और वो लॉजिकल भी है ना, क्योंकि जैसे जैसे 6 सेकंड के बाद वो नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है. नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है. बढ़ रही है, तो वो चीज इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे स्लोप पे भी. समझ आ रही है? Did you understand? Yes, sir. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप री अटेम्प्ट करिए. A की वेलोसिटी को आप 80 मीटर पर सेकंड मान के फिर से री अटेम्प्ट करिए. ठीक है, अज्यूम A's velocity to be 80 meter per second and reattempt the question. जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया आप वैसे वैसे करो, तुरंत से आंसर आ जाएगा. So write down something like this. So how will I show? इस ग्रुप में भेज के. भैया. Can I just put on a video and show you? I don't have that phone with me right now. ग्रुप में नहीं भेज सकता. दिखाओ. जैसे भी तुम्हें दिखाना है देखो. Something like this. नहीं, नहीं. नहीं आएगा ऐसा. Okay. We haven't changed the velocity of B. A का बस वेलोसिटी हमने चेंज किया है. एंड 6 सेकंड पे A अभी भी अपने अपवर्ड जर्नी में होगा या नीचे जर्नी में होगा? अपवर्ड जर्नी में होगा, तो इसका मतलब उसका वर्टिकल अपवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा होगा ना, होगा नहीं होगा? बढ़ेगा ना, और 6 सेकंड के बाद तो और बढ़ेगा. राइट, सो दिस इज टी इक्वल टू जीरो. टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम इज टी इक्वल टू 8. ग्राउंड में पहुंचने का टाइम इज टी इक्वल टू 16. एंड ये दिस इज फॉर ए. एंड बी के लिए अगर ये चीज आप ड्रॉ करते, सो इसको किया है 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है टी इक्वल टू 0 पे. एंड गोज अप एंड देन कम्स डाउन. टॉप मोस्ट पॉइंट पे टी इक्वल टू 3. ग्राउंड पे टी इक्वल टू 6. तो t equal to 6 पे अगर आप ड्रॉ करते तो वो कहीं यहाँ पे होता. This would happen t equal to 6 seconds. तो t equal to 6 seconds पे तो अभी और भी ये ऊपर ही जा रहा है, तो
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 6 सेकंड के बाद देखोगे तो ये तो और ऊपर ही जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो और बढ़ेगा। तो उसके बाद 6 सेकंड के बाद पैराबोला होगा, बट पैराबोला जो है वो इमिडिएटली नीचे नहीं गिरेगा, उसका वर्टेक्स जो होगा और ऊपर लाई करेगा कहीं। ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं u स्क्वायर बाय 2g करके, तो दिस इज 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g व्हिच इज 10, सो दिस बिकम्स 80 into 80 डिवाइडेड बाय 20 दिस इज 4, सो दिस इज 320 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी आपकी, 320 मीटर होगी। समझ आ रही है? गेटिंग इट नॉट? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b ये कितना आएगा, रिवर्ट एंड ऐड करो, 80 - 30 एंड दिस विल बी 50 मीटर पर सेकंड, एंड ये कब तक होगा, टिल t इक्वल टू 6 सेकंड्स। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b विल बी 50 × 6 व्हिच इज 300 मीटर्स, एंड दिस विल बी टिल t इक्वल टू 6 सेकंड्स, एंड उसके बाद तो पैराबोला होना है, एंड उसके बाद फिर इंक्रीजिंग पैराबोला ही होगा। तो इस केस में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखना है यहाँ पे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज टाइम टी। तो पहले 6 सेकंड तक का पहले ड्रॉ करेंगे, दिस इज 6 एंड दिस इज 300 एंड फिर पैराबोला यहीं से शुरुआत हो जाएगा, एंड ये ऐसा पैराबोला हो जाएगा। This will be 8, this will be 16, and this will be 320. This will be linear 6 second tak, and iske baad se hi aapka parabolic start ho jayega. Difference samajh aaya? Haan sir. Arjun, tumhe galti samajh aayi? Yes sir. ठीक है, तो इसमें वो पार्ट को आपको ध्यान रखना था कि 6 सेकंड के बाद, मतलब जब बी लैंड कर रहा है तब ए अपने अपवर्ड जर्नी में है या डाउनवर्ड जर्नी में है। अगर ए अपने अपवर्ड जर्नी में है तो वो और ऊपर जाएगा, एंड ए अगर डाउनवर्ड जर्नी में है तो और ऊपर नहीं जा सकता, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता वही आपका मैक्सिमम होता। ठीक है? यस सर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज कराते हैं। इसमें काफी सारे एग्जांपल्स हो गए, अभी रिलेटिव मोशन इन 2D करते हैं। इसके सबसे पॉपुलर दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक रेनमैन अम्ब्रेला सिचुएशंस होते हैं, मतलब बारिश हो रही है एंड एक इंसान को अम्ब्रेला होल्ड करना है तो कितने एंगल पे उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को बचा सके बारिश से, ये क्वेश्चन होते हैं। ये एक तरह का क्वेश्चन होता है, और दूसरा होता है रिवर क्रॉसिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है और इंसान को रिवर क्रॉस करके एक पार से उस पार जाना है, तो उसको एक साइड से उससे दूसरे साइड जाने में कितना टाइम लगेगा, एंड फिर रिवर कितना उसको आगे ड्रिफ्ट करा के लेके जाता है, ये चीजें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये दोनों को मैं एक एक करके कवर करूंगा। सबसे पहले रेन मैन अम्ब्रेला वाला सिचुएशन ही लेते हैं। रेन मैन अम्ब्रेला सिचुएशंस, सो द सिचुएशन इज कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड का फ्रेम और इसमें एक इंसान है जो खड़ा है, ठीक है, अभी स्टेशनरी है, मैन स्टेशनरी मान लेते हैं, और इस स्टेशनरी इंसान को दिख रहा है कि रेनफॉल आपका एक सर्टेन एंगल पे हो रही है। ये जो एरो मार्क्स मार्क कर रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड ये वर्टिकल से एंगल थीटा पे हो रही है मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब अगर उसको अपने आप को खुद बचाना है तो अम्ब्रेला का एक्सेस उसको किधर रखना पड़ेगा, रेनफॉल के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ना, है नहीं है? If he wants to protect himself, उसको अम्ब्रेला का जो एक्सिस है रेनफॉल की तरफ रखना चाहिए ताकि वो अपने आप को क्या करे, प्रोटेक्ट करके रख सके मैक्सिमम, राइट? है ना? ऐसे ही करोगे ना, राइट? यस सर।
तो इस केस में अम्ब्रेला का एक्सिस वर्टिकल से कितने एंगल पे होना चाहिए? थीटा एंगल पे. थीटा, हाँ. समझ आ रही है? हाँ. ये चीज का ध्यान रखना कि अम्ब्रेला का एक्सिस बिल्कुल रेनफॉल के डायरेक्शन में हम दिखा रहे हैं, ठीक है? बट ये तो तभी कर सकते हैं ना जब इंसान स्टेशनरी है, क्योंकि स्टेशनरी मतलब ग्राउंड का फ्रेम है, तभी उसको ये दिखेगा. बट इंसान अगर खुद भागना शुरू करेगा तो क्या उसको रेनफॉल ये वाला दिखेगा जो ग्राउंड वाले इंसान को दिख रहा है? नहीं, स्टेशनरी इंसान नहीं. क्यों? क्योंकि अगर इंसान भागना शुरू करता है तो अब वो मूविंग फ्रेम हो गया, और मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम जब भी किसी चीज को एनालाइज करेंगे तो रिवर्ट एंड ऐड तो करना ही पड़ेगा ना, है ही नहीं है? गेटिंग इट? तो अब वो सिचुएशन को कंसीडर करते हैं. नाउ लेट अस से कि अब हम दूसरे सिचुएशन पे जाते हैं, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक द पर्सन रन नाउ. Man running against rain. Against rain में इसको right भगाओ या left भगाओ? When do we say that the person is running against rain? Right. So right. Direction of the rain. The direction of the rain. तो इसको right की तरफ हमने भगाया, and this is velocity of main man, ठीक है? So this is running. The man is running against rain हमने मान लिया है. अब हमें क्या करना है? हमें अपने फ्रेम को सबसे पहला काम क्या करना है? इंसान पे फिक्स करना है, क्योंकि अम्ब्रेला तो इंसान को ही होल्ड करना है ना. और इंसान को अगर अम्ब्रेला होल्ड करना है मतलब उसके रिस्पेक्ट में ही आपको एनालाइज करना है सारी चीजें. तो हमने अपने फ्रेम को यहाँ फिक्स किया और रिवर्ट एंड ऐड अप्लाई करेंगे. तो रिवर्ट एंड ऐड जैसे ही अप्लाई करोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमने रिवर्ट कर दिया. देखो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन व्हिच हैज बीन रिवर्टेड. अब मैन का रिवर्टेड वेलोसिटी रेनफॉल में आपको वेक्टोरियली ऐड करना है, एंड जिस डायरेक्शन में आपको रेनफॉल दिखेगा उसी के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? अम्ब्रेला को भी होल्ड करना पड़ेगा. तो देखो Vm एंड Vr, देखो इन दोनों का वेक्टर सम ले रहे हैं. आपको याद है ये सब वेक्टर्स में आप पढ़ चुके हैं. वेक्टर सम कैसे निकालते हैं याद है? पैरेललोग्राम लॉ. हां सर, हां सर, राइट. तो देखो ये हमने जो एरो मार्क कर रखा है, ये देखो ये जो हमने एरो मार्क कर रखा है, ये एरो मार्क बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. समझ आ रही है? VRM लिखा है मतलब velocity of rain with respect man. समझ आ रही है? हाँ सर. तो अम्ब्रेला उसको कैसे होल्ड करना पड़ेगा? अम्ब्रेला का एक्सिस इस डायरेक्शन में ही होना पड़ेगा ना, रेनफॉल के डायरेक्शन में. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. ये देखो ऐसा होल्ड करना पड़ेगा उसको, और ये एंगल अब अल्फा आपको वर्टिकल से निकालना होगा. तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ऑब्वियस है ना, ये एंगल भी अल्फा होगा. चेक करो, दिख रही है आपको? हाँ सर, दिख रही है. अभी तो आराम से निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि हम लोग. देखो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करो, तुरंत से समझ पाओगे आप. ये देखो दिस इज Vm, दिस इज Vr, एंड दिस वाज एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ वर्टिकल. This is also Vr. This is also theta. So this becomes Vr cos theta, and this becomes Vr sin theta. Correct है ना? देखो तो check करो. देखो एक बार check करो. सबको समझ आ रही है? हाँ sir. हाँ sir. और theta components. Exactly. Simply components break किया है. और ये जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. देखो तो आपको ये वाली एंगल हमने अल्फा मार्क किया था ना, देखो तो ये वाली एंगल अल्फा मार्क किया था. कैन यू सी दैट? सो इजंट ऑब्वियस कि दैट दिस एंगल इज आल्सो अल्फा? चेक करो. इंडीड अल्टरनेट. हां, अल्टरनेट एंगल से है. तो इस केस में अब tan अल्फा तो तुरंत मिल गया. देखो आपको tan अल्फा बिकम्स परपेंडिकुलर बेस व्हिच इज Vm प्लस Vr sin थीटा डिवाइडेड बाय Vr cos theta. मिल गया आपको? Got it? हाँ सर. एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, जैसे जैसे इंसान तेज भागता जाएगा, तेज भगाओ इंसान को, तो जो रिवर्टेड वेलोसिटी है वो भी तो बढ़ता जाएगा, राइट? हाँ सर. और अगर रिवर्टेड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाते जाओगे तो उस केस में जो रेनफॉल देखो ऐसे हो रहा था, सोचो ये वाला कंपोनेंट अगर बढ़ता जाएगा तो रिजल्टेंट उसकी तरफ और झुकेगा ना. याद है आपको दो वेक्टर का जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं
तो रिजल्टेंट हमेशा जो बड़ा वेक्टर होता है उसकी तरफ थोड़ा झुकता जाता है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर अगर मान लो कि वेलोसिटी जो वीएम जो अपने रिवर्ट का ये छोटा है तो ऐसा आ रहा है, फिर आपने क्या किया इसको थोड़ा बढ़ा दिया, फास्ट मूव किया, तो इस केस में थोड़ा और टिल्ट हो जाएगा, फिर और फास्ट मूव किया थोड़ा और टिल्ट हो जाएगा, फिर और फास्ट मूव किया थोड़ा और टिल्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ये चीज आपने देखो, आप ध्यान करो, कभी अगर आप बारिश में कभी बाइक में या बाइसाइकिल में कभी भी गए होंगे तो ये आपने डेफिनेटली फील किया होगा कि जब हम बारिश में जैसे बारिश में कभी हम चलते हुए तो बारिश के अगेंस्ट जब भी हम जा रहे हैं और अगर हम अपने आप को देखते हैं, ऑब्वियस होता है ना, एक हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बारिश होता है तो हम अपनी गाड़ी को तेज कर लेते हैं, तो गाड़ी जैसे ही तेज करोगे तो बारिश जो है अगर ऐसे हो रही थी अगर हम भाग रहे इधर, बारिश ऐसे हो रही थी, हमने तेज भागना शुरू किया तो बारिश ऐसे हो जाएगी, अब हमारे आंखों पर डायरेक्टली पेनिट्रेट करेगा। ये फील किया कभी आपने? अल्फा 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा और अल्फा 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करने का मतलब क्या है, वो हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है तो आपके आंख में पेनिट्रेट करेगा। दूसरी एक और चीज भी है, आप जब भी अगेंस्ट द रेन भागते हो तो आपको रेनफॉल और ज्यादा तेज होता हुआ लगता है ना, जैसे कि यू नो बारिश जैसे धीरे धीरे हो रही है, आपने क्या किया बाइक को तेज कर दिया, बाइक को तेज करते ही देखोगे कि बारिश भी तेज हो गई है, तो आपको लगता है भगवान आपके साथ गेम खेल रहा है कि जैसे ही आप बारिश मतलब जैसे ही आप बाइक तेज कर रहे हो बारिश तेज हो जा रहा है, आप स्लो कर रहे हो तो बारिश स्लो हो जा रहा है, कभी फील किया है ऐसा? हाँ सर, एक बार सर। क्या है ना? तो इसमें भगवान आपके साथ गेम नहीं खेल रहा है, आप खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो। गेम क्या खेल रहे हो आप? आपका बारिश जो है वो तो एक ही रेट से हो रहा था मान लेते हैं, बट आप अगर अपने वेलोसिटी को तेज करते हो सोचो, तो इस केस में ये जो पैरेललोग्राम वाला जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है बस उसी में सोचो, वीआर फिक्स्ड है और VM को अगर आप बढ़ाओगे तो क्या जो डायगनल बन रहा है उस डायगनल का लेंथ नहीं इंक्रीज करेगा? लेंथ विल इंक्रीज एंड इट विल स्टडी मोर टुवर्ड्स यस सर मे बी इंक्लाइन। सो VRM अगर इंक्रीज करेगा आपका, वही चीज तो आप फील कर रहे हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब आपके रिस्पेक्ट में उसको वो कैसा दिख रहा है रेनफॉल, तो रेनफॉल आपको बड़ा दिखेगा, मतलब वैल्यू उसकी वैल्यू ज्यादा दिखेगी, तो रेन विल अपीयर टू बी फॉलिंग एट अ मच ग्रेटर स्पीड कंपेयर टू द स्पीड व्हिच वाज व्हिच इट वाज हैविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आई आपको? Did you understand? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब आते हैं तीसरे केस पे। तीसरे केस पे हम क्या करते हैं? इंसान को यू नो दूसरे डायरेक्शन में भगाते हैं। इस बार उसको विद द रेन भगाते हैं। मान लेते हैं इस बार इंसान इधर भाग रहा है। एंड रेनफॉल आपका वैसे ही हो रहा था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैसे ही हो रही है। This is velocity of rain with respect to ground, and this is at an angle theta with the vertical. So man is running with rain. ठीक है? So फिर से हम वही काम करेंगे, अपने frame को यहाँ fix करते हैं, and revert and add apply करते हैं. देखो यहाँ revert and add कर रहा है. This is VM. ठीक है? इस बार VR के जब आप component break करोगे, सोचो VR के components break करो आप. तो VR का एक वर्टिकल कंपोनेंट विच इज VR cos theta एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज VR sin theta. देखो VR cos theta इज अनअफेक्टेड ऑफ द मैंस वेलोसिटी, इजंट इट ना? क्योंकि VR cos theta क्या वर्टिकल है ना, राइट? एंड VM इज हॉरिजॉन्टल. अब VM एंड VR sin theta इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये डिसाइड करेगा कि मैन को अब रेनफॉल किस तरफ दिखेगा. अगर VM VR sin theta से बड़ा है तो रेनफॉल राइट की तरफ इंक्लाइन दिखेगा ना, राइट? समझ आ रही है? हाँ सर। और अगर VR sin theta VM से बड़ा हो गया तो रेनफॉल आपको लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन दिखेगा, दिखेगा नहीं? हाँ सर। दिखेगा? और अगर VR sin theta और VM इक्वल हो गए तो क्या दिखेगा? तो स्ट्रेट डाउन देता है, इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड ओवर द हेड ऑफ द पर्सन दिखेगा. मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब भी आपको ऐसा बोले कि रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली ओवर हेड ऑफ द पर्सन, जब भी ये बोले तो आपको ये समझना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द रेनफॉल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द मैन आर आइडेंटिकल. क्यों? क्योंकि अगर ये आइडेंटिकल नहीं होंगे तो रिवर्ट एंड ऐड होकर कैंसिल नहीं करेंगे. समझ आ रही है आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? हां सर. यस. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस हो गया, दिस इज आवर थर्ड केस. तो इस पे ही तीन केसेस, इस पार्ट पे आपके तीन केसेस बन रहे हैं, सो इनको तीन केसेस में हम लिख लेते हैं. सो केस वन इज VR sin theta greater than VM. अगर ये केस हुआ
तो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन आपको वेलोसिटी दिखनी है. दिस विल बी वी आर साइन थीटा माइनस ऑफ वी एम. एंड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वी आर कॉस थीटा है ही. दिस इज वी आर कॉस थीटा. एंड इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा. And that resultant will be velocity of rain with respect to man. And ये वाली angle आपको alpha mark किया था हमने. तो tan alpha की value will be vr sin theta minus of vm divided by vr cos theta. ये होगी case one. Case two is अगर vr sin theta is less than vm, तो इस बार आपको rainfall right की तरफ दिखेगी. तो राइट का कंपोनेंट इज वीएम माइनस ऑफ वीआर साइन थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज वीआर कॉस थीटा अनअफेक्टेड. एंड इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो इस बार उसको राइट की तरफ टिल्टेड दिख रही है वेलोसिटी. तो ये एंगल आपको अल्फा फाइंड आउट करनी थी. तो टेन अल्फा फिर से आप लिख सकते हो दैट विल बी वीएम माइनस ऑफ वीआर साइन थीटा डिवाइडेड बाय वीआर cos theta. And the case 3, which is the most popular part over here, vr sin theta becomes equal to vm. So is case mein aapko vertically downwards dikhegi rainfall. Ye jo vr cos theta hai, yahi basically aapka vrm ho jayegi. So is case mein rain appears falling vertical. Rain appears falling वर्टिकली. गॉट इट? क्लियर है? सारे केसेस समझ आ गए आपको? यस सर. हां सर, हां सर. आपको इन रिजल्ट्स को मेमोराइज नहीं करना बेटा. ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ रिजल्ट्स मेमोराइज करो. इतने सारे रिजल्ट्स मेमोराइज नहीं किए जाते हैं. आपको कंसेप्चुअली देखना है कि हमने क्या करना है. बस सिंपल सा रूल है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक वेलोसिटी हो रही है रेनफॉल की, ठीक है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक वेलोसिटी है और इंसान की एक वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. एंड जब भी आपको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैन सर्टन डायरेक्शन में रेनफॉल है, तो आपको मैन की वेलोसिटी को रिवर्ट करके ऐड करना है एंड फिर वेक्टर सम जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे वेक्टर सम निकाल लेना है. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. ठीक है, लेट अस सी, एक अटेम्प्ट करके देखते हैं विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑन टू अ मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली with a speed of 5 meters per second, rain appears falling vertically over his head. If he doubles the speed, if he doubles the speed, the velocity of rain appears at an angle of 30 degrees with vertical. Find the actual magnitude and direction of rain with respect to ground. देखो क्या रही है. सर वो तीन केसेस जस्ट एक सेकंड के लिए एक बार दिखा सकते हैं प्लीज? क्या क्या फिर से बोलिए सर. वो थ्री केसेस एक बार जस्ट एक सेकंड के लिए दिखा सकते हैं सर? डन.
नहीं हुआ अभी तक मुझे दुखी कर दे रहे हो तुम लोग कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखा रहे हो मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड रेन उसको अपीयर हो रहा है वर्टिकल इसका मतलब पक्का है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रेनफॉल का 5 मीटर पर सेकेंड था ना था ही नहीं था हाँ सर तो अगर मैं ये x कंपोनेंट दिखा रहा हूँ वेलोसिटी का और ये y कंपोनेंट दिखा रहा हूँ दो अलग अलग कंपोनेंट दिखा रहे हैं vx एंड vy कह लेते हैं और इन दोनों का रिजल्टेंट ही बेसिकली मान लेते हैं vr था ठीक है ये दो कंपोनेंट्स की तरह इनको दिखा रहे हैं दिस वाज vr एंड vr के दो कंपोनेंट दिस एंगल वाज थीटा तो vy इज बेसिकली vr sin थीटा एंड vx इज बेसिकली vx इज vr sin थीटा एंड vy इज vr cos थीटा अब इसमें पक्का है जब आप इसमें अपने फ्रेम को फिक्स करते तो रिवर्ट एंड ऐड करते तो ये रिवर्ट एंड ऐड करने के बाद ये 5 मीटर पर सेकंड जब आप रिवर्ट एंड ऐड करते तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता तो बचता सिर्फ वी वाई एंड यही आपका क्या होता वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाता राइट यही मतलब निकला ना हाँ सर ठीक है हाँ सर अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है सेकंड पार्ट में दे हैव सेड दैट द पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी तो अब ये इंसान भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी ऑफ मैन बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड बट रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो चेंज नहीं होगा तो रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीआर अगर आप दिखाएंगे तो अभी भी उसके कंपोनेंट्स आप वैसे लिखोगे वीएक्स एंड वीवाई वीएक्स का वैल्यू कितना था 5 मीटर पर सेकंड ये आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था ना किया था नहीं हां सर पिछले पार्ट में तो आपने वही डिसाइड किया था एंड अब आप क्या करोगे यहां पे रिवर्ट एंड ऐड अप्लाई करो ठीक है यहां पे बैठे और ये 5 को रिवर्ट एंड ऐड करो So this is 10 meter per second. So 10 meter per second towards left and 5 meter per second towards right. Bachega kya? 5 towards left. 5 meter per second towards left. 5 meter per second towards left. Yes. So therefore, jo velocity aapko dikh rahi hai, wo left ki taraf dikh rahi hai. 10 minus 5, which is 5 meter per second. And vertical component vy to rahega hi rahega. Usko to aap affect nahi kar sakte. To ye ho gayi vy. Aur in dono ka jo resultant aayega. In dono ka resultant jo aayega. This is velocity of rain with respect to man now. This is velocity of rain with respect to man. And ये वाली angle देखो, ये वाली angle जो हम alpha कह रहे थे, ये 30 degree है. दिख रही है आपको? ये उसने दे रखा है ना? Rain appears to be falling at 30 degree with vertical, right? Right? हाँ sir. Yes sir. तो tan 30 यहाँ पे कितनी दिख रही है? आप बताओ. Tan 30 कितनी दिख रही है? What is tan 30 over here? 5 डिवाइडेड बाय वीवाई आ रही है नहीं हां पास इसका मतलब वीवाई कितनी हो गई है वीवाई इज 5√3 राइट यस सर सो अब सोचो अगर वेलोसिटी ऑफ रेन निकालें तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है √ vx स्क्वायर + vy स्क्वायर है ना हां सर vx स्क्वायर + vy का स्क्वायर एंड vx vy तो आपको ऑलरेडी पता है vx आपने ऑलरेडी निकाला 5 5 का स्क्वायर प्लस और ये है 5√3 तो 5√3 का स्क्वायर सो दिस बिकम्स 5 का स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा तो 5 एंड सर 10 आ जाएगा सो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड ठीक है तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल हो गई है ये पूछा नहीं है बट अगर पूछते तो ये आंसर हो जाता एंड अब tan थीटा का निकालोगे आप tan थीटा तो tan थीटा कितनी आएगी vx / vy दिख रही है आपको दिख रही है डायग्राम देखो लेफ्ट वाली डायग्राम देखो tan थीटा कितनी है vx / vy है और vx आपने कितना निकाला है vx निकाला आपने 5 और vy कितना निकाला आपने 5√3 इसका मतलब 1/√3 आ रही है राइट यस सर इसका मतलब फिर से थीटा कितना है 30 डिग्री विद वर्टिकल तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो राइट की तरफ आपका है ना रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंड उस इंसान के रिस्पेक्ट में जब डबल किया था तो लेफ्ट की तरफ है 30 डिग्री विद वर्टिकल दिख रहा है आपको यस सर ठीक है ठीक है ये डेटास पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है कि जो उसको दिखेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वही उसको खुद के रेस्पेक्ट में भी दिख रहा है ऐसा नहीं है ये अलग अलग सिचुएशन है ठीक है मतलब डेटास के ऊपर डिपेंड करता है तो ये 30 के अलावा कुछ और भी आ सकता है बट एनीवेज मेथड तो आपको समझ आया क्या करना है सर कोई कुछ सर वो हां
सर वो एक्चुअल डिस्टेंस मतलब एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए वो हम vr cos theta is equal to vr नहीं नहीं लगा सकते vr cos theta equal to वो मैन मतलब मैन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है रेन का हां बट वो दिया कहां है हमें वो दिया थोड़ी ना है उसने सिर्फ बोला है कि वर्टिकल अपीयर हो रहा है बट वर्टिकल में कितना अपीयर हो रहा है ये थोड़ी ना दिया है उसने तो फिर फायदा क्या होगा उसको यूज करके अगर वो वैल्यू तुम्हें देते तब ना वो तुम बोलते कि vr cos theta equal to vr mm ठीक है वो सही कह रहे हैं बट वो तो दिया नहीं ना डेटा नहीं दिया तो उसको ऐसे यूज करोगे जो डेटा दिया होगा उसको यूज करोगे ना आप हां सर हां सर ठीक है चलो एक और ट्राई करते हैं लेट अस से ये एक इंक्लाइन प्लेन है एंड दिस इंक्लाइन प्लेन इज एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 37 डिग्रीज विद वर्टिकल एंड यहाँ पे एक इंसान है जो ऊपर चढ़ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ से 20 मीटर पर सेकेंड से एंड द क्वेश्चन इज टू द पर्सन रनिंग अप एज शोन rain appears to be falling vertically over his head with a speed of 24 meter per second find the actual speed and direction of rainfall. बताओ कितनी आएगी चलो मैं कर रहा हूं देखो इधर चेक करो पहले वेलोसिटी ऑफ मैन जो दे रखा है उसके कंपोनेंट्स ब्रेक करो आप ये होगी 20 इनटू कॉस 37 मतलब 4/5 सो ये हो गई है 16 मीटर पर सेकंड एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 20 इनटू साइन 37 मतलब 3/5 सो दिस विल बी 12 मीटर पर सेकंड ठीक है एंड फर्स्ट केस में उसने कह रखा है कि उसको वर्टिकली ओवर हिज हेड अपीयर हो रहा है एंड ये केस ऑलरेडी आपको बताया अगर रेन वर्टिकली ओवर द हेड अपीयर होता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होना ही पड़ेगा तो रेनफॉल पक्का है इस केस में रेनफॉल का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा अगर ये रेनफॉल की डायरेक्शन मानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल इधर है तो उसके दो कंपोनेंट्स आप मान सकते हैं वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट एंड एक वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ठीक है अब एक्स कंपोनेंट जो होगा ये पक्का है 16 मीटर पर सेकंड से मैच करना चाहिए समझ आई आपको ये हमने डायरेक्टली कैसे लिख लिया समझ आई है यस सर ठीक है सर हां बोलिए सर इज द आंसर ऑफ द एंगल tan inverse of 4/9 and the velocity 39.395 नहीं बेटा नहीं अभी एक बार चेक कर लीजिए ठीक है और जब भी मैं डिस्कशन एक बार स्टार्ट कर लूँ ना तो आप एक बार ध्यान दिया करो डिस्कशंस में नहीं तो आप बीच में मिस आउट कर जाओगे डिस्कशंस पहले सुन लिया करो ठीक है ठीक है सर सफिशिएंट टाइम इज गिवन टू यू अगर उतने टाइम पे नहीं होता है तो फिर आप डिस्कशन सुन लो ठीक है नहीं तो आप मिस आउट करोगे अच्छी चीजों को ठीक है सर अभी देखो इधर So, अब आपको क्या करना है उसने क्या कह रखा है उसने कह रखा है कि एक्चुअल स्पीड जो है वो निकालना है बट उसने रिलेटिव स्पीड दे रखा है 24 मीटर पर सेकंड रिलेटिव कैसे निकालेंगे आप अपने फ्रेम को इंसान पे फिक्स करो एंड रिवर्ट एंड ऐड अप्लाई करो तो रिवर्ट एंड ऐड अप्लाई करते तो इधर से ये 16 इधर रिवर्ट हो जाता तो ये 16 तो इसके साथ कैंसिल हो गया और फिर वर्टिकली डाउनवर्ड्स आपका 12 भी ऐड होता तो देखो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर निकाले तो वी वाई प्लस 12 आ रहा है ना देखो रिवर्ट एंड ऐड में देखो Vy plus 12 है ना है या नहीं है यस सर एंड ये ही वैल्यूज देखो उसने कितनी दी है 24 दी है तो Vy की वैल्यू कितनी आ गई है 12 मीटर पर सेकंड दैट्स इट तो Vx आपने निकाल लिया 16 है और Vy निकाल लिया 12 है तो Vr कितना हो गया रूट अंडर Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर एंड दैट इज एग्जैक्टली 20 मीटर पर सेकंड मतलब जो इंसान का वेलोसिटी था वही वेलोसिटी इसका भी है ठीक है अब एंगल कितना है वो निकालना है आपको तो एंगल निकालने के लिए आप यहाँ पे
ये एंगल को थीटा मान लो इधर से कुछ भी, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा विद द वर्टिकल, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे आप यहां पे? सो टैन थीटा विल बी कितनी लिखोगे आप? परपेंडिकुलर बेस मतलब vx डिवाइडेड बाय vy, एंड vx की वैल्यू इज कितना था 16 एंड vy का वैल्यू 12, मतलब ये 4/3 है, एंड tan थीटा 4/3 मतलब थीटा कितना है 53 डिग्री ना, राइट? सो दिस इज 53 डिग्री विद वर्टिकल. Got it? हाँ सर. सागनिक आपने कहाँ गलत किया बेटा? सर मैंने वो vy plus 12 के जगह vy minus 12 लिख दिया था गलती से. ओके. आप रिवर्टन ऐड नहीं कर रहे सीख रहे हैं? हाँ सर गलती से वो लिख दिया था. ठीक है. ठीक है सर. चलो हमने रेन मैन वाले क्वेश्चंस का थ्योरी तो कवर अप कर लिया और एग्जांपल्स भी कवर कर लिए. अब नेक्स्ट वाले सिचुएशन पे जाते हैं, रिवर्स स्विमर क्वेश्चंस को करते हैं. स्विमर रिवर सिचुएशंस. इसमें जो सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, जैसे एक रिवर होगा आपके पास, देयर बी अ रिवर हियर. इस रिवर की आपको विड्थ दी हुई होगी, इस रिवर की विड्थ को हम डी मान लेते हैं, एंड रिवर में आपको फ्लो वेलोसिटी भी कुछ एक दी हुई होगी, दिस फ्लो वेलोसिटी वुड बी वी आर मान लेते हैं. सो डी ओवर हियर इज विड्थ ऑफ रिवर, वी आर इज रिवर फ्लो वेलोसिटी, एंड यहाँ पे किसी एक शोर पे एक इंसान खड़ा है मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड इस इंसान की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर आपको दी हुई होगी, स्विमर इस इंसान की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आपको रिवर दी हुई होगी. तो इसको मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वी एस आर लिख रहे हैं. दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. जब भी हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो इसका मतलब वो चीज अगर रेस्ट पे होता तब वो वेलोसिटी दिखता है ना, राइट? हाँ सर. सो व्हेन आई एम सेइंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटेड टू रिवर, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ये स्विमर स्विम करने का कोशिश करता है, दिस इज वी एस आर, तो क्या ये इस तरफ जाएगा, क्या ये इसी तरफ जाएगा? नहीं सर, वो ड्रिफ्ट करेगा. ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है. तो ये जो डेस्टिनेशन हमने दिखा रखा है, दिस डेस्टिनेशन वुड बी पॉसिबल ओनली इफ द रिवर वाज स्टेशनरी. समझ आ रही है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कहने का मतलब क्या है? दिस मींस, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, इफ द रिवर वाजंट फ्लोइंग, इफ द रिवर वाजंट फ्लोइंग, देन द स्विमर स्विमर वुड हैव मूव्ड with this velocity. समझ आ रही है आपको? तो ये जो मैंने रेड कलर के डॉटेड लाइन से मार्क कर रखा है, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज द लोकस, लोकस मतलब पाथ, लोकस इन एब्सेंस ऑफ फ्लो ऑफ रिवर. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. ठीक है. बट अगर आप वेक्टोरियल इक्वेशन अगर यूज करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर जब हम कह रहे हैं, तो हम ये मीन कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर लगानी है. तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर जो भी है उसमें आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा ना, राइट? हाँ सर. सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा. तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर को वेक्टोरियली ऐड करनी है. देखो ये, देखो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर राइट की तरफ, राइट की तरफ हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इसमें इनको वेक्टोरियली ऐड करनी है. जब आप इसको वेक्टोरियली ऐड करोगे तो ये आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर मिलेगी. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड वाले पर्सन को ये वाली वेलोसिटी दिख रही होगी, तो यहां पे उसका डेस्टिनेशन होगा. So this can be said to be, this is locus
when river is flowing. River is flowing. I hope आपको समझ आ गई है. Sir, it will also depend on the flow of river, in which direction it is moving. River का flow तो मैंने दिखा दिया right की तरफ है. और किस तरफ move कर सकता है? It cannot move perpendicular to river length of river. Does river flow in this direction? Huh? I mean, it can move in left side also. Oh ho! When I have shown it to be right, तो फिर आप left की तरफ कैसे कर रहे हैं? Left करोगे तो फिर से वैसे ही. ये तो मैंने already generalized case बना रखा है ना? The angle between river flow and velocity of swimmer with respect to river can be changed. Can't it be changed? अगर मैं ये एंगल को अगर supposedly ये एंगल जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये एंगल थीटा जो दिखा रहा हूँ ये थीटा को obtuse ले लो तो isn't it the, obviously the case that you are talking of? ये थीटा को मैं obtuse कर दूँ. Okay sir. Okay. तो तुम्हारा case नहीं हो गया? हुआ ही नहीं हुआ? अगर मैंने थीटा को obtuse ले लिया तो तुम्हारा केस हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर. हाँ हाँ. तो फिर अरे रिवर किसी एक तरफ आपको तो फ्लो कराना ही है. आप बोल रहे हो लेफ्ट की तरफ फ्लो करना चाहिए, राइट की तरफ फ्लो करना चाहिए. सो ये जनरलाइज केस में हमने यहाँ पे ये लोकस निकाल रखा है. अब इसमें इंसान अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर जितना फ्लो कर जाता है ना उसको हम ड्रिफ्ट ऑफ पर्सन कहते हैं. तो यहाँ पे जैसे इसको दिखा रहे हैं, जैसे स्टार्ट किया उसने एक पॉइंट से एंड पहुंचा है एक और पॉइंट पे, इसको हम ड्रिफ्ट कह रहे हैं. ये वाली लेंथ जो दिखा रहे हैं इसको ड्रिफ्ट कह रहे हैं. ड्रिफ्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर इसको डेल्टा एक्स से इंडिकेट करेंगे. सो डेल्टा एक्स इज ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर along the length of the river. Along the length of river. ठीक है. अब देखो supposedly मुझे ये एंगल दिया हुआ था उसने, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं. उसने वो क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन में ऐसे बोलेंगे कि the swimmer is trying to swim at an angle theta with the downstream. देखो downstream मतलब क्या हो? With the river flow. And at an angle theta with the downstream मतलब with the river flow आपको theta angle लेना है, समझ आ रही है? हाँ सर. अगर यही बोलते theta with upstream, theta with respect to upstream, तो क्या होता? तो ये है हो गया downstream, upstream हो गया इधर, और इसके respect में आपको इधर theta लेना पड़ता, समझ आ रही है? Are you understanding it? हाँ सर. ठीक है. तो वैसे आपको language से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. अभी फिलहाल के लिए इस डायग्राम में जो वेक्टर डायग्राम आपको दिख रहा है उस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बना के यहाँ पे एक बार ड्रॉ करता हूँ. मैं इसको बस रीड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार देखो आप चेक करो. ये है हमारे पास वी एस आर एंड इस तरफ है हमारे पास वी आर. एंड ये एंगल है थीटा. हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं अपना. और ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ स्विमर. वेलोसिटी ऑफ स्विमर में हम इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं. ये भी हमारा वी एस आर ही होगा. ये एंगल भी थीटा होगा. तो इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करें तो ये हो गया वी एस आर कॉस थीटा. एंड ये हो गई है वी एस आर साइन थीटा. दिख रही है आपको? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर उसका दो कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट है VR plus VSR cos theta, दिख रहा है आपको? ये हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है आपको? मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर. सो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को x एक्सिस एंड ये जो वर्टिकल लाइन है इसको y एक्सिस ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर का जो x कंपोनेंट है वो कितना हो गया? VR plus VSR cos theta, यही है ना? राइट. हाँ सर. ये वाली कंपोनेंट का काम क्या है? ये वाली कंपोनेंट का काम क्या है? ड्रिफ्ट कराना ना, या ये क्रॉस भी करा सकता है क्या? ये रिवर क्रॉस कराने के लिए रिस्पांसिबल है? नहीं सर. देखो ये अलोंग द रिवर फ्लो है. अलोंग द रिवर फ्लो मतलब ये इधर ही रिवर फ्लो के डायरेक्शन में ही बेसिकली उसको ले जा सकता है. सो दिस कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द पर्सन ड्रिफ्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर. इट कैन नॉट मेक द पर्सन क्रॉस द रिवर, क्योंकि ये क्रॉस करने के लिए तो उसको यू नो विड्थ का मतलब जो लेंथ ऑफ रिवर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. सो दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल
for making the person drift along the length of river. Along the length of river. ठीक है? और अब दूसरे component VY की बात करें अगर, तो VY आएगी हमारी VSR sin theta. क्या यही वाली component उसको cross कराने के लिए responsible है? Yes, sir. Yes, sir. Right? So component responsible for crossing river. एक्सेलरेशन वगैरह तो कुछ है नहीं. तो देखो अगर मैं बोलता हूं कि ये इंसान सोचो ए से स्टार्ट किया और वो बी पे पहुंच गया, ठीक है, तो ए से स्टार्ट करके जब वो बी पे पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट है, एक डेल्टा एक्स और एक डी. दिख रहा है आपको? हाँ सर. दिख रहा है? तो डेल्टा एक्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो वी एक्स की वजह से हुआ है और डी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो वी वाई की वजह से हुआ है ना? हाँ सर. तो VY का वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट D जाना है, तो टाइम कितना लगेगा कि हम निकाल सकते हैं उससे? निकाल सकते हैं ना? हाँ सर. यस सर. D डिवाइडेड बाय VY कर लो. समझ आ रही है? सो देयरफॉर अगर मुझे टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालनी है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए, तो इस डेल्टा T को निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस बाय वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस करेंगे. डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज D. And divided by velocity along y-axis is VSR sin theta. ठीक है? यहाँ से time of crossing मिल गई है. Once you have got the time of crossing, अब drift भी निकाल सकते हो. So therefore, drift जो हमें निकालनी थी, drift delta x जिसको mention कर रहे थे, that will be velocity along x-axis into the time t delta t. So this becomes VSR cos theta plus VR, and that multiplied with d divided by VSR sin theta. मिल गया आपको? Got it? समझ आई है आपको? Yes sir. Yes sir. ठीक है. अब इसमें दो स्पेशल केस आपसे पूछते हैं. दो स्पेशल केस क्या है? पहला ये पूछते हैं आपसे कि बताओ कि अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो उसको कैसे जाना चाहिए. उसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो कैसे जाना चाहिए? तो शॉर्टेस्ट टाइम मतलब डेल्टा टी आपको मिनिमम रखना है. तो डेल्टा टी का एक्सप्रेशन देखो आप, उसमें आपको एक है विड्थ दिख रही है. क्या हम विड्थ ऑफ रिवर चेंज कर सकते हैं? नो सर. नहीं. नो सर. नहीं, चेंज नहीं कर सकते. विड्थ ऑफ रिवर हमारे हाथ में कहां है? वो वी कैन नॉट चेंज दैट. फिर दूसरा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटेड टू रिवर. वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटेड टू रिवर मतलब कि जितने स्पीड से वो स्विमर उस रिवर में स्विम कर सकता है, उसका एक अपर लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ना, राइट? जैसे आप पानी में कितना स्पीड से आप स्विम कर सकते हो, मतलब स्टेशनरी पानी में आप कितने स्पीड से स्विम कर सकते हो, ये तो आपका अपना एफिशिएंसी होगा. क्या उसको एक अपर लिमिट में, मतलब मान लो कि किसी का एक अपर लिमिट है, वो अपर लिमिट से ज्यादा तो आप नहीं मूव करा सकते ना उसको. समझ आ रही है? तो VSR का भी वैल्यू का एक अपर लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते. तो आप एंगल चेंज कर सकते हैं ना? यू कैन चेंज द एंगल ऑफ, यू कैन चेंज द एंगल ऑफ स्विम, राइट? तो अगर आपको टाइम सबसे मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए नहीं, राइट? इसका मतलब परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो उसको मूव करना चाहिए, जिसको बोलते हैं अक्रॉस द रिवर. तो स्विमर अगर अक्रॉस द रिवर जाने का कोशिश करे, अक्रॉस द रिवर जाएगा नहीं, वो अक्रॉस द रिवर जाने का कोशिश करेगा वो. तो अक्रॉस द रिवर अगर वो जाने का कोशिश करेगा तो उस केस में उसका टाइम क्या होगा? सबसे कम लगेगा. समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. यस सर. ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप. ठीक है, सो इस केस में आप ये डायग्राम देख के भी वैसे भी समझ सकते हो. देखो तुमको ये वेक्टर डायग्राम देखो, उसको रिवर क्रॉस कराने के लिए रिस्पांसिबल कौन है? VSR sin theta ना? है ही नहीं है? Yes. हाँ सर. VR को VSR cos theta उसको क्रॉस नहीं करवा रहा है. क्रॉस कराने के लिए तो VSR sin theta रिस्पांसिबल है. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि उसको शॉर्टेस्ट टाइम में मुझे क्रॉस कराना है, तो मुझे ये सोचना है कि ये वाला कॉम्पोनेंट मुझे सबसे ज्यादा रखना है, यही तो सोचना है मुझे, है ना? हाँ सर. Yes, और ये कंपोनेंट तो सबसे ज्यादा तभी होगा ना जब पूरा का पूरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो जाए. अगर वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो जाए तो कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कंपोनेंट लोगे तो छोटा हो जाएगा, बट कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कब? जब वेक्टर पूरा उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा. समझ आई? हां सर. हां सर. ठीक है, सो इसीलिए अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटेड टू रिवर अगर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो हो जाए तो उस केस में उसका टाइम ऑफ क्रॉसिंग सबसे कम होगा. सो दिस इज स्पेशल केस के अंदर, इसको लिख लेते हैं. स्पेशल केसेस दो केस हैं,
case one is shortest time of crossing. Shortest time of crossing as delta t is b divided by v s r sine theta. Therefore, delta t ki value agar minimum chahiye implies sine theta ka value aapko maximum chahiye, and therefore theta has to be 90 degree. Aur theta ka 90 degree hai to hum ye kehte hain ki swimmer has to try to swim across the river. इस टर्म को याद रखिएगा, अक्रॉस जब भी वर्ड देखे तो आप समझ जाना कि परपेंडिकुलर रिवर फ्लोस को कोशिश करना है अक्रॉस द रिवर. तो सिचुएशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे ये रिवर है एंड इस तरफ आपकी रिवर फ्लो कर रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, और यहाँ पे स्विमर है, ये उधर इधर क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, वीएसआर इस तरफ है, बट इसमें वेक्टोरियली कौन ऐड होने वाला है, vr vectorially add होने वाला है, और उसके बाद फिर resultant direction इस तरफ आएगी, so this will be vs and पहुंचेगा वो यहाँ पे कहीं जाके, दिख रही है आपको, so this is t equal to zero, this is t equal to delta t minimum, and therefore delta t minimum is d divided by vsr, got it? समझ आई है? समझ आई है? हाँ सर. यस सर. हैज दिस बीन द शॉर्टेस्ट पाथ? क्या यही उसका शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है? नो सर. नो, क्लियरली दिस इज इन द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल. क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है उसका? मतलब अगर मान ले उसको इस तरफ के शोर से उस तरफ के शोर में जाना है तो फिर क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है उसका? नो सर. नो सर. नहीं है ना? तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर ये नहीं है तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस भी एक बनेगा. So now we move to second part case, which is shortest path case. ठीक है? तर वहाँ के हम लोग VR negligible है, like वो देखिए. नहीं, क्यों VR क्यों negligible लेंगे? VR क्यों negligible लेंगे? कहाँ पे मैंने VR का negligible लिया? नहीं, अगर shortest path लेना है तो. क्यों? क्यों VR को negligible कैसे लोगे? सर तो perpendicular तो shortest path होगा ना. हाँ तो फिर? तो VR की वजह से vectorial right side add हो रहा है तो. तो फिर अगर अगर तुम लेफ्ट के अगर तुम लेफ्ट की तरफ उतना ही वेलोसिटी से चले जाओ जितना से वो रिवर तुमको राइट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है तो फिर तुम्हारा क्या अच्छा ड्रिफ्ट अच्छा आएगा? अच्छा यस सर यस गॉट इट. तो फिर मेरे को फिक्र बात कर रहे हो. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो एंड इंसान मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, अब इतना तो समझ में आ रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा. ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, देखो तो परपेंडिकुलर, राइट? परपेंडिकुलर रिवर फ्लो. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे इस लाइन पे चाहिए ना, राइट? है ना? यस सर. अब तो एक चीज पक्का है, इस बार स्विमर की जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू रिवर वो कुछ ऑब्ट्यूज एंगल पे आपको लेना पड़ेगा. दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, ताकि अगर आप इधर की तरफ अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर दिखाते हो तो देखो, अगर मान लेते हैं कि ये अपस्ट्रीम के साथ अपस्ट्रीम के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये अपस्ट्रीम के दो कंपोनेंट ब्रेक करो. देखो वी एस आर कॉस थीटा, तो ये वी एस आर कॉस थीटा देखो इसके साथ कैंसिल हो सकता है. दिख रहा है आपको? दिख रहा है? कैन यू सी दिस? हां सर. यस सर. और उस केस में सिर्फ वी एस आर साइन थीटा बचेगा, और वही वी एस आर साइन थीटा एक्चुअली क्या बन रहा है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर बन रहा है. दिख रही है आपको? दिस वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज एक्चुअली वी एस आर साइन थीटा. कैन यू सी दैट? डू यू सी दैट? यस सर. यस सर. ठीक है, तो अगर उसको अगर उसको अक्रॉस द रिवर मूव करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, तो उस केस में उसका एंगल कितना होगा, क्या आप फाइंड आउट कर पाएंगे? कितने एंगल पे स्विम करना है? देखो हमें हमें जीरो ड्रिफ्ट के लिए, जीरो ड्रिफ्ट कह रहा है. ठीक है, जीरो ड्रिफ्ट, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस हो गया. जीरो ड्रिफ्ट इंप्लाइज वी एस आर का जो कॉस थीटा है इससे किससे मैच कराना है? वी आर से मैच कराना है ना? हां सर. सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? वी आर डिवाइडेड बाय वी एस आर.
समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस सर। ये थीटा ध्यान रखना, आप अपस्ट्रीम से मेजर किया हमने, डाउनस्ट्रीम से नहीं। यस सर। ठीक है, दिस थीटा इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम, मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन वन होनी चाहिए या लेस देन इक्वल टू वन होनी चाहिए? सोच के बताइएगा। मैंने लेस देन वन लिखा है, लेस देन वन होनी चाहिए या लेस देन इक्वल टू वन होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू। अगर इक्वल टू वन ले लिया ना आपने, तो उससे क्या होगा, आप एक ही जगह पे स्विम करते रह जाओगे एक ही जगह पे, क्योंकि अगर इक्वल टू वन हो गया मतलब वी आर इक्वल टू वी एस आर ले लिया आपने, राइट? Yes, sir. अगर वी आर इक्वल टू वी एस आर ले लिया और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचो, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में वी आर इक्वल टू वी एस आर एंड दे आर ऑपोजिट टू इच अदर, तो वी एस आर का क्या कोई परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आएगा? एक आपने इधर ले लिया और एक इधर ले लिया, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, हाँ नहीं आएगा। तो आप बेसिकली एक ही जगह पे क्या कर रहे होंगे, अपना हाथ पैर मार रहे होंगे, और उसका फिर आपका टारगेट क्या, एक ही जगह पे हाथ पैर मारना था या क्रॉस करके दूसरे साइड जाना था? क्रॉस करके दूसरे साइड जाना था, क्रॉस करके दूसरे साइड जाना था। तो इसके लिए आपको इक्वल टू वन लेके नहीं कर सकते आप, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा वन से छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब वी आर की वैल्यू भी लेस देन वी एस आर होना चाहिए ना, है ना, राइट? राइट, तो जीरो ड्रिफ्ट का, जीरो ड्रिफ्ट का ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जीरो ड्रिफ्ट तभी पॉसिबल होगा जब स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। समझ आ रही है? ठीक है, यस सर। अब yes, sir. अब उसका टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर निकालनी है, सोचो यू नो टाइम ऑफ क्रॉसिंग फाइंड आउट करनी है, तो देखो ये वेक्टर का डायग्राम देखो आप, ये चेक करो, दिस इज वी एस आर, दिस इज वी आर एंड दिस इज वी एस, एंड ये एंगल हमने थीटा लिया था, यही लिया था ना हमने, देखो तो वी एस हमें मिल गया क्या इस डायग्राम से, रूट अंडर वी एस आर का स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर, दिख रही है आपको, दिख रही है? यस सर। हां सर। एंड देयरफॉर जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगी डेल्टा टी वो कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ रिवर इज डी एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो इज वी एस, डिवाइड कर दो, सो दिस बिकम्स डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर वी एस आर का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर, गॉट इट? यस सर। गॉट इट? समझ आई सभी को? यस सर। ओके, जैसे यहाँ पे हमने एक केस लिया है कि वी एस आर की वैल्यू वी आर से बड़ी है, ये सिचुएशन भी तो पॉसिबल है ना कि वी एस आर वी आर से छोटी हो, पॉसिबल तो है ही, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर वो कंडीशन है, इफ दैट कंडीशन एग्जिस्ट, तब जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली वो अक्रॉस द रिवर नहीं मूव कर पाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट कहीं ना कहीं तो मूव करेगा ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर, कहीं ना कहीं तो मूव करेगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करेंगे अब वो सीखते हैं, ठीक है? सो इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी एस आर देन जीरो ड्रिफ्ट इजंट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट इजंट पॉसिबल, इन सच केस फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ अब क्या करना है वो सीखते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो वेक्टर डायग्राम आपको बहुत पहले सिखाया था, मतलब वेक्टर क्लासेस में सिखाया था, उसकी यूटिलिटी थोड़ी सी पड़ेगी हमें यहाँ पे। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज टुवर्ड्स राइट, दिस इज वी आर, एंड इंसान यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस से दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, इसके साथ मुझे वेक्टोरियली मुझे वी एस आर को एड करना है ना, इसके साथ मुझे वी एस आर को वेक्टोरियली एड करना है और चेक करना है कि ड्रिफ्ट सबसे कम कब आएगी, यही तो चेक करना है ना मुझे। हाँ सर। ठीक है, अब आप रैंडम इसको डायरेक्शंस में लेते जाओ, ठीक है, रैंडम डायरेक्शंस में लेते जाओ,
जैसे मान लेते हैं कि हमने VSR को इस तरफ ले लिया, ठीक है, लेट अस से दिस इज VSR, VSR का जितना लेंथ है वो लेंथ VR से कम है ना, देखो तो VSR का जो एरो का लेंथ मैंने दिखाया है, देखो VR से कम दिखाया है, कैन यू सी दैट? यस सर। और उसका सर्कम, उसका रेडियस का एक सर्कल मार्क कर लेते हैं यहां से, दिख नहीं रहा, आपको भी लॉजिक समझ आएगा मैं क्यों कर रहा हूं। हाँ, सो अभी देखो आप इस VR और VSR का अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करता तो ये VS आता ना, आता, उसका पाथ देखो तो ये वाला हो जाता, दिस वुड हैव बीन द पाथ इन व्हिच द पार्टिकल वुड हैव मूव, स्विमर वुड हैव मूव, होता ही नहीं होता। यस सर, गेटिंग इट? यस सर। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा और टर्न करो, VSR को थोड़ा और टर्न करो, अब इसके साथ जब रिजल्टेंट आप लेते देखो ये आता, इफ यू नोटिस समथिंग, देखो ड्रिफ्ट थोड़ा कम हो गया है, कैन यू सी दैट? दिख रही है आपको ड्रिफ्ट कम हुई है, दिख रही है? यस सर, यस आई रिमाइंड दिस वन, ठीक है। अब थोड़ा और टर्न करते हैं और ऐसे पॉइंट पे टर्न करके लेके जाते हैं जहां पे ये टैंजेंट हो जाए, एग्जैक्टली टैंजेंट हो जाए, देखो ये टैंजेंट अगर हो गया तो टैंजेंट होने पे ये सबसे कम ड्रिफ्ट देगा, क्योंकि अब अगर इसको वापस से अगर आपने और थोड़ा और इंक्लाइन किया, इधर देखो, इधर और थोड़ा इंक्लाइन कर रहे हैं, देखो ड्रिफ्ट फिर से बढ़ गया, देखो कैन यू सी इट? ये देखो ड्रिफ्ट फिर से बढ़ गया है, दिख रही है आपको? हाँ सर। Did everybody see? Yep sir। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट सबसे कम कौन सा है? जहां पे आप VR और VSR को ऐसा चूज करते हो सच कि VS becomes perpendicular to VSR। दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? ये देखो, this is VS, this is VS, and this VS is perpendicular to VSR। दिख रही है आपको? हाँ सर। सो ये वाली आपकी मिनिमम ड्रिफ्ट वाली पाथ है, दिस इज मिनिमम ड्रिफ्ट वाली पाथ, सो देयरफॉर मिनिमम ड्रिफ्ट इज पॉसिबल ओनली इफ वी एस आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी एस वेक्टर, समझ आई? तो अब यहां पे थीटा फिर से आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ये एंगल को अगर मैं फिर से अपस्ट्रीम के साथ थीटा चूज कर रहा हूं, देखो इफ अपस्ट्रीम के साथ दिस इज थीटा, देखो तो ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपको पता है VSR है एंड हाइपोटेन्यूज आपको पता है VR है, तो कॉस थीटा का वैल्यू आप चूज करते हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितनी लिखते आप? VSR डिवाइडेड बाय VR, दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? दिखी आपको? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यहाँ पे जो यहाँ पे cos theta का वैल्यू देखो उल्टा आया था, VR divided by VSR आया था, और यहाँ पे जो आ रही है VSR divided by VR आ रही है, ठीक है? ठीक है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके। ये दो बहुत पॉपुलर केस है, कभी कभी थोड़े से अनपॉपुलर क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे एक छोटा सा एप्लीकेशन की तरह दिखाता हूं मैं आपको, आप सोच के बताना, ठीक है? आपको सॉल्व नहीं करना, आपको मुझे बताना है क्या करना होगा आपको। लेट अस से रिवर फ्लो वेलोसिटी आपको दी हुई है,
this is river flow velocity vr, and this is a point A, and this is a point B. ठीक है, स्विमर का टारगेट ये है कि वो लाइन ए बी पे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर पाए, मतलब पॉइंट ए से स्टार्ट करे और पॉइंट बी पे पहुंचे. तो उसके लिए स्विमर की वेलोसिटी कितने एंगल पे होनी चाहिए आपको ये फाइंड करनी है, या फिर अगर ये पूछ लें कि मिनिमम स्पीड कितने स्पीड से स्विमर को चलना पड़ेगा सच कि वो लाइन ए बी पे मूव कर सके, आपको ये बताना है. ये थीटा दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है, यही फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर such that it is able to move along the line AB, along the line AB with respect to ground. बताओ क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? देखो इधर तो VR है ही, इस VR के दो कंपोनेंट हैं, एक है VR cos theta और एक है VR sin theta. अगर मैं आपसे ये बोलूं कि VR cos theta की वजह से तो वो along the line AB move कर जाएगा, बट वी आर साइन थीटा की वजह से वो वी आर अलोंग द लाइन ए बी नहीं मूव कर पाएगा, यही तो मतलब है ना, है या नहीं है? हां सर. वी आर में हमने दो कंपोनेंट ब्रेक किया, एक वी आर कॉस थीटा और एक वी आर साइन थीटा, एंड वी आर सेइंग दैट ड्यू टू वी आर कॉस थीटा इट वुड हैव बीन एबल टू मूव अलोंग द लाइन ए बी ऑटोमेटिकली, बट ड्यू टू वी आर साइन थीटा इट इज नॉट एबल टू मूव अलोंग द लाइन ए बी, राइट? यस सर. Yes, sir. We cannot change either VR cos theta or VR sin theta. हम दोनों में से कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि river flow velocity हमारे हाथ में नहीं है. Line AB जो उसने choose करके दे दिया वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो question का fixed data है. तो इसका मतलब angle theta भी fixed data है. तो angle theta remaining fixed, line AB remaining fixed, VR remaining fixed, VR cos theta and VR sin theta is also fixed, right? Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now you cannot change VR cos theta. And you should not change VR cos theta also. क्यों? क्योंकि VR cos theta is actually helping you to take you along the line AB, right? है ना? Yes, sir. So what is the unwanted component? What is the unwanted component? VR sin theta. If somehow you eliminate VR sin theta, then VR cos theta will automatically take you along the line AB or not? Yes, sir. Yes, sir. Right? तो बस वही target होना चाहिए आपका. तो मैंने क्या किया? ये देखो. मैंने VSR को एग्जैक्टली ऐसा चूज किया कि वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए, तो काम बन गया मेरा, राइट? अब तुम अगर इसके अलावा अगर किसी भी एंगल पे रखते तो तुमको ज्यादा वेलोसिटी रखना ही पड़ता, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर आप ऐसे एंगल पे रखते, सपोजली तुमने ऐसे एंगल पे रखा होता, लेट्स से दिस वुड हैव बीन अल्फा, तो आप क्या करते? इसको VR sin अल्फा, VSR sin अल्फा लिखते? लिखते नहीं लिखते? लिखते. लिखते? समझ आ रही है आपको? एंड sin अल्फा की वजह से जो VSR है उसका तो एक कंपोनेंट ही आया ना, तो VSR का तो वैल्यू आपने बढ़ाया, तभी तो VSR sin अल्फा इस बार VR sin थीटा के साथ कैंसिल आउट हो रहा है. समझ आ रही है? यस. ठीक है, तो आपको तो उसने क्या पूछा था? मिनिमम वैल्यू ऑफ VSR पूछा था, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना था? डायरेक्टली ऑपोजिट रख दो. डायरेक्टली ऑपोजिट ही रख लेना था. समझ आई? समझ आई आपको? हां सर. एंड नाउ यू कैन से दैट ये जो VSR cos थीटा है यही velocity of swimmer with respect to ground हो जाएगा, and that will take it along the line AB. So therefore condition क्या हो गया हमारा? So therefore VSR जो minimum होगा, that minimum value is VR sin theta. Got it? समझ आई? Yes sir. हाँ sir. ठीक है.